हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल ने रिजल्ट आउट कर दिया है और देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। तो जिस तरीके का मैंने आपको एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस वीडियो लाया था, उसमें मैंने सेम कट ऑफ बताया था, सेम कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो बताया उसी तरीके का कट ऑफ देखने को मिला है। तो बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देखा है और मेरा एनालिसिस 100% सही रहा है। चलिए देख लेते हैं सीएचएसएल, ये ऑफिशियल नोटिस है, ये देखिए इन्होंने जो नोटिस निकाला है। और टायर एग्ज़ाम 1 जो हुआ था वो कब से हुआ था, 17 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक हुआ था। उसके बाद 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, फिर देखिए 16, फिर 19, 19 से 21, ठीक है। और ये सारे सेंटर में हुआ था, उस पर इन्होंने रिजल्ट निकाला है और ये कट ऑफ है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए टायर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हुआ एक बार फिर से ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और टायर 1 को क्लियर कीजिए। देखिए कट ऑफ जो है 159.52 है, ठीक है। एससी की बात करें तो 136 है, एसटी की बात करें 127 है, ओबीसी की बात करें 156 है, ईडब्ल्यूएस में 149 है, ई एस एम में है 87, ओ एच में है 124, एच में है 81 और वी एच में है 123। और टोटल कैंडिडेट्स जो है वो है 44,856। अगर बात कर ली जाए वैकेंसीज की तो देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज है, एसएससी ने रिलीज किया है, तो अगर आपको दिख पा रहा होगा तो देख लीजिए। ये मैं जूम भी कर देता हूँ, ये देखिए सारे जो वैकेंसीज हैं वहाँ यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बात करूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो क्रॉस नहीं कर पाए हैं तो वो लोग क्या करें, मार्च में आपका एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम होने वाला है तो अभी से ही मेहनत में लग जाइए, क्योंकि जिस तरीके का कट ऑफ देखा जा रहा है इस बार कट ऑफ बढ़ने के और आसार हैं। तो मान के चलिए इस बार कट ऑफ बढ़ने के और आसार हैं और आप अपना इस बार 100% पूरा दे के रहिए। आज से एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए और तैयारी में लग जाइए। चलिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जिनका भी सिलेक्शन हो गया है कमेंट सेक्शन में अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक जिनका टायर 2 है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।